तो हे गाइस, कुल मिला के आ चुके एक और नए गेम प्ले के साथ। तो इस वाले वीडियो में मैं लिविक खेल रहा था, तो मेरे सामने अभी एक बंदा उतरा था, तो इसके ऊपर मैं UMP लेके अभी पूछ देता हूँ। और ये इसके अंदर थे बंदे, सो मैं थोड़ा फ्री फायर देता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि ऊपर की साइड बंदे जा चुके। तो इस वाले बंदे को थोड़ा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर लेकिन एक भी डैमेज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ये ओपन करता हूँ और मेरे पास थी विम पावर, सो मैं अपना कैप्सूल खाता हूँ और सीधा इनके ऊपर थोड़ी विम छोड़ता हूँ। सो देखो गाइस, कैप्सूल खा लेता हूँ और अभी विम छोड़ता हूँ। भाई किसी को भी डैमेज नहीं हुआ, फिर अगली बार ट्राई करता हूँ, थोड़ा डैमेज होता है। मुझे लगता है सीढ़ी के ऊपर है वो बंदा। भाई इस वाले घर में ना पता ही नहीं चल रहा कि बंदा किस साइड होगा, क्योंकि घर ही बहुत आड़ा टेढ़ा है। तो इस वाले बंदे को मैं UMP से नॉक कर देता हूँ और सीधा नीचे आ जाता हूँ कवर के अंदर, वेट करता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा टिप पे ले रहा था, इसको भी UMP से नॉक कर देता हूँ और सीधा अंदर की साइड पुश कर देता हूँ रिलोड करके। तो सामने वाले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, पर लेकिन मॉली से नॉक हो जाता है मेरे टीममेट की। सो यहाँ पे मेरा 1v2 हो जाता है और इस वाले बंदे को टोटली फिनिश कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक फाइट कंप्लीट होने के बाद मैं सामने की साइड, हमारे एक बंदा था तो मुझे बहुत डैमेज दे रहा था, मैं यहाँ पे हेल्थ किट लगाता हूँ और हवा में उड़ने वाले एबिलिटी सीधा इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। तो देखे गाइस, यहाँ पे लैंड होते मैं इसको नॉक कर देता हूँ। भाई इसको नॉक करती है ना, सीधा इसको फिनिश कर देता। और सामने से जो ही गंदा फायर आता है ना भाई मेरे ऊपर, देखो भाई सीधा कवर में जाओ। थोड़ा फ्री फायर देता हूँ इसके ऊपर, फिर कवर में आता हूँ और हीलिंग करता हूँ। हीलिंग करने के बाद सीधा अपनी एबिलिटी यूज़ करके इस वाले बंदे के ऊपर मैं पूछ देता हूँ। मेरा टीममेट और मैं एक आइडिया लगाता है, वो ऊपर से आता है और मैं नीचे से, पर लेकिन तब तक मैं सीधा इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। देखो कैसे बेलते हैं इसको। तो भाई इसको फिनिश करने के बाद जो मैंने अभी पहले फाइट ली थी ना, वही बंदे रिकॉल करके मेरे इवेंट के ऊपर सामने की साइड आ जाते। तो मैं यहाँ पे उनको चेक कर रहा था और तभी मैं अपने एबिलिटी बूस्टर बढ़ाता हूँ और सीधा हवा में उड़ने वाली पावर यूज़ करके इनके ऊपर पुश कर देता हूँ। मेरा सोचना था कि इसके ऊपर उतरूँ, पर लेकिन मैं नीचे गिर जाता हूँ और ये बंदे गाड़ी लेके भाग ही रहे थे, तो मैं इनके ऊपर स्प्रे देता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है एम्पर से और मैं सीधा इनके ऊपर एक मॉली कर देता हूँ यहाँ पे। सो मॉली करने के बाद मैं खिड़की से जंप करके खिड़की से डैमेज देने की ट्राई करता हूँ और ये बंदा मॉली के अंदर ही घुस जाता है और नॉक हो जाता है। सो ये वाला बंदा नॉक होने के बाद मेरे टीममेट को एक और बंदा नॉक कर देता है, तो मुझे पीछे की साइड एक बॉट दिखता है, तो इसको मैं नॉक कर देता हूँ और ये तो फिनिश हो जाता है। मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक कर देता है, इसको मैं मारने के लिए ट्राई करता हूँ, फ्री फायर देता हूँ और लो भाई 1v3 हो गया। यहाँ पे 1v3 करने के बाद मैं सीधा गाड़ी लेके आगे की साइड निकल जाता हूँ। जो मेरा टीममेट बॉट को मार रहा था, तो अभी मेरे सामने थे पूरे के पूरे 4 बंदे, तो मैं सोचता हूँ कि अपने टीममेट को ये वाले बंदे का नॉक देने देता हूँ, किल निकलने देता हूँ। पर ये बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैं अपने फाइट लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो इस वाले बंदे को नॉक देता हूँ, तो सामने से 2 बंदे पुश करते हैं, तो भाई मैं पूरे का पूरा फंस चुका था इसके अंदर। तो देखो कैसे पेलते हैं इन सबको। लेफ्ट वाले को लिया, अब राइट वाले की बारी। रिलोड करता हूँ UMP, इसको देने के बाद मुझे आखिरी वाला बंदा स्पॉट हो जाता है, तो इसलिए मैं हीलिंग कर लेता हूँ और मुझे आगे की तरफ देखता हूँ। तो एम4 से फ्री फायर देता हूँ और ये वाला बंदा सामने इस तरफ मेरे ऊपर पुश देने के लिए आता है, तो इसको UMP को नॉक और फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा तब तक टीममेट भी उतर जाता है और मेरा 1v4 भी हो जाता है। सो यहाँ पे मैं अपना हाइपो कैप्सूल यूज़ करके आगे की साइड आ जाता हूँ, जहाँ पे एक और बंदा था। आखिरी बंदा तो बहुत ही बचा था, इसलिए यहीं पर मेरा चिकन डिनर था। तो ये वाली गाड़ी मैं अपने पिकअप कर लेता हूँ, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी। तो तभी मेरे सामने ये वाला बॉट आ जाता है और ये भाई मेरा चिकन डिनर हो जाता है, 14 किलो वाला चिकन डिनर होता। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते एक और नए वीडियो के साथ और नए गेम प्ले के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।